सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हैं और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को देखते हुए कैंपेनिंग जो चल रही है उसमें मैं आपको बता दूं, एक अपडेट आया है। दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने जो है इंटर्म बेल जो है वो ग्रांट की है एमपी इंजीनियर राशिद को। आपको मैं बता दूं, मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर राशिद जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया था वो अभी जेल में ही है। उन्हें जो है कुछ दिन के लिए इंटर्म बेल जो मिली है, ये जो बेल मिली है ये मिली है अक्टूबर 2 तक, यानी कि 2 अक्टूबर तक इंजीनियर अब्दुल रशीद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस में कैंपेन करने के लिए आ सकते हैं। ये बड़ा अपडेट है और ऑलरेडी पहले ये बात चल रही थी कि क्या इंजीनियर रशीद को भी बेल मिलेगी इस पूरी इलेक्शन के अंदर कैंपेन करने की। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्पेशल कोर्ट है एनआईए की, उन्होंने अभी जो है ये बेल दे दी है इंजीनियर रशीद को। और इंजीनियर रशीद को जो बेल मिली है वो सिर्फ 2 अक्टूबर तक मिली है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शंस चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को देखते हुए जो ये बेल मिली है इसमें मैं आपको बता दूं, अब वो यहाँ पर आकर कैंपेन कर सकते हैं। इंजीनियर रशीद आजकल जो है मेंबर पार्लियामेंट है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के अंदर जेल के अंदर से ही उमर अब्दुल्ला जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं उन्हें हराया था। मैं आपको बता दूं, उन्हें अब बेल मिल चुकी है, 2 तारीख तक वो कैंपेनिंग कर सकते हैं। इंजीनियर रशीद को बेल मिलने का मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे खेमे के अंदर खलबली मच गई होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर और खास करके कश्मीर घाटी की बात करें तो अगर इंजीनियर रशीद वहां पर कैंपेन करने के लिए आते हैं तो बड़ा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखने को मिल सकता है। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी को साधुवाद।